I think there's excitement about India taking the baton. I think Prime Minister Modi made an excellent speech. UK ke Prime Minister Rishi Sunak ki mulaqat hui hai India ke Prime Minister Narendra Modi saab se. और इसी हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील जो कि हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब उस पर प्रॉपर काम स्टार्ट किया जाने वाला है। As well as the trade deal with India, which you know we remain committed to, but we need to make sure we get these things right. किसी की गुलामी नहीं करेंगे। और तुम्हारी में जहाँ पे मांगने जाते हैं वहाँ दुनिया कैसे कर नहीं सकते सर, अकड़ नहीं सकते हम। लेकिन जिन लोगों ने आपको 1947 में आपसे अलग हुए हैं, आज एप्पल की फैक्ट्री चाइना से छोड़ के इंडिया चली गई, आईफोन अब इंडिया में बनेंगे। आपके 13-13 साल के बच्चे डंडे और आग लेकर सारा कुछ फिर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, रूस से दुनिया चाह रही है कि उनके साथ ट्रेड करें। पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल कुवत के सामने सरनगू करके पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, लेकिन आप इंडिया के अंदर कंसिस्टेंसी देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका पीपल लुकिंग फॉरवर्ड सपोर्टिंग इन द एक्साइटमेंट अबाउट इंडिया टेकिंग द बैटन। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड एन एक्सीलेंट स्पीच एट द क्लोज ऑफ द समिट एंड देयर्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अबाउट दिस पॉजिटिव अबाउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैव कम अप आउट ऑफ दिस समिट बीइंग कैरीड ऑन into India's presidency and people are looking forward to supporting India in that and we certainly will play our part in the United Kingdom to make sure that we do that as well as the trade deal with India which you know we remain committed to but we need to make sure we get these things right and that's what I will do. UK ke Prime Minister Rishi Sunak ki mulaqat hui hai India ke Prime Minister Narendra Modi saab se aur isi hawale se sunne mein ye aa raha hai ki India aur UK ki free ट्रेड डील जो के हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब उस पर प्रॉपर काम स्टार्ट किया जाने वाला है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की भी किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है, इसके साथ साथ ये बात करेंगे कि क्या यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक जो के इंडियन ओरिजिन है, क्या वो इंडिया को इंडियन ओरिजिन होने की वजह से कोई बेनिफिट देंगे या फिर मेरिट के ऊपर काम करेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है अगर इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, यानी ये साइन हो चुकी है आगे इस पर वर्क होने जा रहा है, इंडियन ओरिजिन है ऋषि सनक जो के यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से होगा फेवर दी जाएगी या कोई और वजह होगी मेरिट के ऊपर काम? सर मेरिट के ऊपर काम होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे मुल्की निज़ाम नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं, हमारे साथ ना तो कोई ट्रेड करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा, यही तो बात। सर बात ये सीधी सी बात है, जो हमारे ऊपर लोग मसल्लत किए गए हैं, जो मसल्लत किए गए, जो हमारी एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है, जो हम में से नहीं है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जिनकी हर चीज बाहर है, ठीक है, तो जो हमारे में से नहीं है वो कैसे ट्रेड करेंगे बताएं? अच्छा ये बताएं, मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, इवन कोई इस्लामिक कंट्री भी आई थिंक ऐसा नहीं है जिसके साथ हम टैक्स फ्री डील कर रहे हैं, वजह क्या है? आखिर हमारी पॉलिसीज में कोई फर्क है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई फर्क है? सर सबसे बेहतर है हमारा पॉलिटिक्स जो है ना वो सिस्टम, बिल्कुल निज़ाम जिसको कहते हैं ना धर्म भरम, वो है, ठीक है, किसी का